चीजें सामने हैं, देखने के लिए अलका जी तैयार नहीं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के अफसरों पर संसद में सवाल उठे, जवाब दिया गया। ओवैसी ने मुस्लिम अफसरों की कमी पर सवाल उठाए थे। शाह ने पूछा कि अफसरों को हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे क्या? अफसर को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला सेकुलर कैसे होगा? 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं, 58 आईएएस के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान हैं, यानी 17.24। 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान, जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। आईपीएस में आ जाइए सर, 66 पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं? रोहिसी साहब, इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन कर दें भाई। आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दें, क्या कर सकते हैं आप? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं? क्या सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे? इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।